हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है सीमेंट। सीमेंट क्या है? देखिए, अगर मैं बात करूँ फिजिकली यानी जो हमें देखने पे, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, फिजिकल अपीरियंस, फिजिकली सीमेंट आपने सभी ने देखी होगी। सीमेंट ग्रेइश कलर का एक पाउडर है जो कि एक बहुत अच्छा बाइंडिंग मटेरियल होता है, जो बाइंड कर देता है किसको, स्टोन्स को, इसके अलावा ब्रिक्स को, तो ताकि इसे हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ब्रिजेस, रोड मेकिंग, मॉल्स वगैरह सब कुछ बनाने में सीमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर मैं बात करूँ फिजिकली सीमेंट क्या है, तो फिजिकली सीमेंट इज द ग्रेइश कलर पाउडर विच इज यूज एज ए बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, फिजिकली तो हमने देख लिया, लेकिन केमिकली सीमेंट क्या है? केमिकली सीमेंट आप लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं आपको श्योर करती हूँ कि चैप्टर के लास्ट में आप लोग खुद बताएंगे कि व्हाट इज सीमेंट केमिकली। अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है, केमिकली सीमेंट इज द मिक्सचर ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये आपको चैप्टर के एंड तक सब समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं फिजिकली बात करूँ तो फिजिकली सीमेंट इज ए ग्रेइश कलर पाउडर विच इज़ यूज एज ए बाइंडिंग मटेरियल, और केमिकली मैं बात करूँ तो सीमेंट इज डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। ठीक है, कैसे आया वो हम अभी देखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मोटे मोटे तौर पे, तो चार कैटेगरी में हम सीमेंट को डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले होती है नेचुरल सीमेंट, नाम से पता चल रहा है जो हमें नेचुरली मिल रही है। ठीक है, नेचुरली क्योंकि सीमेंट क्या है, सीमेंट एक कैल्शियम, कैल्शियम मतलब लाइम, लाइम है हमारे पास में, और लाइम आपको पता है कि चूना जो होता है, लाइम स्टोन उसकी रॉक्स होती है, तो यानी सीमेंट नेचुरली मिल सकती है। सिलिका क्या है, मिट्टी, तो सीमेंट का कंपोजिशन क्या है, सीमेंट का कंपोजिशन है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास में हो गया, सिलिका हमारे पास में हो गया, बॉक्साइड हमारे पास में हो गया, हेमेटाइट यानी Fe2O3 हमारे पास में हो गया, यही तो सीमेंट है। तो ये सब चीज़ें हमें नेचुरली मिलती है, तो सीमेंट में सबसे फर्स्ट सीमेंट हो गई नेचुरल सीमेंट जो हमें नेचुरली मिल जाती है। इसके बाद हमारे पास में सेकेंड नंबर पे आती है स्लैग सीमेंट। स्लैग मतलब होता है कि जो ब्लास्ट फर्नेस होते हैं, जो आपने फर्नेस देखे होगा, तो उसमें जो ऐश निकलती है, तो ऐश का जो कंपोजिशन है ना, वो कहीं ना कहीं इस सीमेंट के कंपोजिशन से मिलता जुलता था, तो सेकेंड कैटेगरी हमने दे दी स्लैग सीमेंट। इसके बाद थर्ड सीमेंट आती है पोज़ोलाना सीमेंट। कहीं कुछ नहीं है, इटली के अंदर एक सिटी थी जिसका नाम था पोज़ोलाना, वहाँ का जो वोल्केनिक ऐश था, वोल्केनिक ऐश, उस ऐश में भी वही कंपोजिशन था जो सीमेंट का कंपोजिशन था, इसलिए इसको पोज़ोलाना सीमेंट कह दिया। और लास्ट एंड फाइनल जो सीमेंट है जिसे हम पढ़ेंगे समझेंगे, दैट इज पोर्टलैंड सीमेंट। कौन सी सीमेंट है? पोर्टलैंड सीमेंट, और यही सीमेंट हमें पढ़नी और समझनी है, और इसकी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सीमेंट की डेफिनेशन हमने देख ली, हमने देखा कि चार तरह की सीमेंट है जो आपके इतने काम की नहीं है, बस ठीक है, एक बार जनरल इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको बता दी। और अब हम पढ़ेंगे हमारा मेन क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। ओके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। देखिए आपको कैसे स्टार्टिंग करनी है, आरटीयू का फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन आता है, आप कैसे स्टार्टिंग करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो आपको रिक्वायरमेंट है, वो आपको रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल्स की। आपको कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। क्या क्या रॉ मटेरियल आपको रिक्वायरमेंट है? देखिए, आपको आपके जो रॉ मटेरियल है इन्हें हम डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले है कैल्केरियस, कैल्केरियस रॉ मटेरियल। कैल्केरियस मटेरियल्स की अगर मैं बात करूँ तो कैल्केरियस मटेरियल में आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्केरियस मटेरियल में क्या आ जाएगा आपके पास में? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसी से आपको क्या मिल जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड ही सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम आता है। हम पढ़ रहे हैं सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, पोर्टलैंड सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, कौन से मेथड से? बाय रोटरी क्लिन मेथड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको कैसे आंसर देना है? सबसे पहले आपको लिखना है रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल में फर्स्ट रॉ मटेरियल है कैल्केरियस मटेरियल। कैल्केरियस मटेरियल में आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और उसी से आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रॉ मटेरियल जो इसके अंदर आता है उसे हम कहते हैं आर्जिलेशियस। क्या कहते हैं? आर्जिलेशियस मटेरियल। इस आर्जिलेशियस मटेरियल्स के अंदर आपके आ जाएंगे सिलिका। ठीक है, सिलिका से आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं सिलिका क्या है। इसी आर्जिलेशियस मटेरियल के अंदर आपका आ जाएगा बॉक्साइट, Al2O3।
बढ़ोतरी। तो ये हो गया आर्जिलिशियस मटेरियल। इसके बाद थर्ड हमारे पास में आ जाएगा फेरी फेरस। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएंगे फेरी फेरस मटेरियल। कौन से मटेरियल आ जाएंगे? फेरी फेरस। इसमें आपका क्या आ जाएगा? Fe2O3। Fe2O3 आपको मिल जाएगा हेमेटाइट से, आपको Fe2O3 मिल जाता है। तो इस तरीके से सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ रॉ मटेरियल आपको रिक्वायर होते हैं। इसके अलावा आपको सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए होता है कोल, और साथ में आपको चाहिए होता है जिप्सम। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के वक्त जिप्सम भी आपको रिक्वायरमेंट होता है 1 से 2%। और जिप्सम का फॉर्मूला आप सभी को पता है, CaSO4.2H2O जिप्सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हम लोग पढ़ रहे हैं कौन से मेथड से? रोटरी क्लिन प्रोसेस। ये रोटरी क्लिन प्रोसेस है जिससे हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे। और सबसे पहले हमारे पास में ये रॉ मटेरियल कैल्केरियस, आर्जिलिशियस, पेरिफेरस, कोल हमें चाहिए, और साथ में हमें क्या चाहिए? जिप्सम। इसके बाद हम आते हैं प्रोसेस पे। तो इसके बाद हम आ जाते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस होगा, ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी आपको रॉ मटेरियल मिल रहे हैं इनकी सबकी रॉक्स होती है, लाइम की रॉक, सिलिका की, हमारे पास में बड़ी बड़ी चट्टाने, बॉक्साइट की चट्टाने, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है। तो इन सबकी प्रॉपर क्या की जाती है? क्रशिंग। तो पहला स्टेप हो गया आपके पास में क्रशिंग, क्रश करना। क्रश करना मतलब उसको एकदम पाउडरेड फॉर्म के अंदर बना लेना, दैट इज क्रशिंग। और ये काम करती है बड़ी बड़ी मशीनें जिन्हें क्रशर्स कहा जाता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास में हो जाएगा इसके अंदर क्रशिंग। और इस क्रशिंग प्रोसेस के थ्रू जितने भी हमारे पास में रॉ मटेरियल है उन सबको प्रॉपर क्रश कर लिया जाता है, पाउडर्ड फॉर्म में ले आया जाता है, ठीक। इसके बाद सेकेंड स्टेप आपके पास में क्या हो जाएगा? मिक्सिंग। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा? मिक्सिंग। मिक्सिंग के अंदर क्या होता है, ये जो रॉ मटेरियल थे इन रॉ मटेरियल को एक प्रॉपर रेशो के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारी मर्जी आई उतना हमने लाइम ले लिया, मर्जी आई उतना हमने सिलिका ले लिया, बिल्कुल नहीं। इन सब का एक प्रॉपर रेशो फिक्स होता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा होता है लाइम, 60 से 69 या 70% तक लाइम ऐड किया जाता है, ठीक है। सिलिका 10 से 15%, एल्यूमिना भी हमारे पास में 8 से 10%, ठीक है। आयरन ऑक्साइड तो हमारे पास में 4-5% ही ऐड किया जाता है, और जिप्सम तो 1 से 2% ही मिक्स किया जाता है। यानी कि प्रॉपर रेशो के अंदर सभी कंपोनेंट को मिक्स करना, इसे ही क्या कहा जाता है? मिक्सिंग। ये मिक्सिंग भी आपकी दो तरह से आप कर सकते हैं। एक होती है ड्राई मिक्सिंग। एक कौन सी मिक्सिंग हो गई? ड्राई मिक्सिंग। नाम से पता चल रहा है कोई चीज़ याद रटने की जरूरत नहीं है। ड्राई मिक्सिंग का मतलब है जितने भी रॉ मटेरियल है इनको हमने मिलाया विदाउट एडिंग वाटर। यानी किसको ऐड नहीं किया गया? विदाउट एडिंग वाटर, वाटर को यहाँ पे ऐड नहीं किया जाएगा। और मिक्सिंग दूसरी कौन सी हो जाएगी? वेट मिक्सिंग। कौन सी मिक्सिंग हो जाएगी? वेट मिक्सिंग। और वेट मिक्सिंग जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें किसको ऐड किया जाएगा? वाटर को क्या किया जाएगा? ऐड। वाटर को जब आप इस पूरे रॉ मटेरियल के अंदर मिक्स कर देंगे तो ऑब्वियसली पेस्ट बन जाएगा, और इस पेस्ट को कहा जाता है स्लरी। इस पेस्ट को क्या कहा जाता है? स्लरी। ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल आप लोग लिखेंगे, रॉ मटेरियल लिखने के बाद आपको प्रोसेस में फर्स्ट प्रोसेस क्रशिंग, क्रश करना, प्रॉपर इनको पाउडर फॉर्म में चेंज करना। क्रशिंग के बाद मिक्सिंग। मिक्सिंग दो तरह से है, एक है ड्राई मिक्सिंग, दूसरी है वेट मिक्सिंग। वेट मिक्सिंग में जब आप वाटर को ऐड करेंगे तो एक पेस्ट बन जाएगा जिसे हम कहते हैं स्लरी। इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है, जो कि सबसे मेन स्टेप है, जिसका नाम है बर्निंग। और ये बर्निंग स्टेप जो है इसी के अंदर आपकी सीमेंट की क्या हो जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। सीमेंट यहाँ पे बनके तैयार हो जाती है, सीमेंट के क्लिंकर बन जाते हैं। और ये जो बर्निंग की जाती है ये रोटरी क्लिन मशीन के अंदर की जाती है। इसको हम पूरा प्रॉपर एक डायग्राम बन आके समझेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास में बर्निंग, और बर्निंग के थ्रू ही हम सीमेंट के क्लिंकर का फॉर्मेशन करते हैं। यानी इस स्टेप के अंदर सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, रोटरी क्लिन मशीन इसके अंदर यूज़ में ली जाती है। और यहाँ पे सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होती है हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं।
देखिए बर्निंग प्रोसेस के लिए जो ये मशीन जो आपको ये दिख रही है इसे कहा जाता है रोटरी क्लीन मशीन। यानी ये बर्निंग प्रोसेस किसके अंदर होता है? रोटरी क्लीन मशीन के अंदर। ये रोटरी क्लीन मशीन जो होती है वो आपको हल्की सी इंक्लाइन दिख रही होगी, तो यस ये हल्की सी इंक्लाइन होती है ताकि प्रॉपर जो मिक्सचर है वो आगे तक पहुँच सके। इसके अलावा इसके अंदर ये रोलर्स लगे हुए होते हैं। जो मशीन आपको दिख रही है इसमें क्या लगे हुए होते हैं? रोलर्स। इन रोलर्स की हेल्प से ये मशीन रोटेट करती रहती है ताकि जितना भी रॉ मटेरियल है उसकी प्रॉपर मिक्सिंग हो सके। तो ये आपको रोटरी क्लीन मशीन दिखाई दे रही है। ये रोटरी क्लीन मशीन 3 से 4 मीटर इसका डायमीटर होता है और इसके अलावा इस रोटरी क्लीन मशीन की लंबाई 90 से 120 मीटर तक होती है। ये रोटरी क्लीन मशीन हल्की सी इंक्लाइन होती है और इसके अलावा ये रोटरी क्लीन मशीन रोटेशन करती है प्रॉपर मिक्सिंग के लिए। यहाँ तक की बात समझ में आई? इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो रोटरी क्लीन मशीन होती है ये टोटल 3 चैम्बर्स के अंदर डिवाइड होती है, 1, 2, 3, ठीक है। अगर रोटरी क्लीन मशीन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ये नीचे आपको दिख रहा है चैम्बर, यहाँ से आप कोल की सप्लाई की जाती है और ये कोल देके और इसके अंदर कंबशन किया जाता है। कोल कंबशन का काम कर रहा है। इस कंबशन से इस मशीन के अंदर टेम्परेचर हमें मिल रहा है। अलग अलग जो हमारे पास में चैम्बर है, अलग अलग जो जोन है, उनके अंदर अलग अलग टेम्परेचर होता है। अब हम शुरू करते हैं। ये है स्लरी। स्लरी को एंटर कराया जाता है हमेशा अपर मोस्ट पार्ट से। आपको ध्यान रखना है कि जो मशीन इंक्लाइन है, इंक्लाइन मशीन का जो अपर मोस्ट पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, वहाँ से आपको स्लरी को एंटर कराना है और उसके जस्ट अपोजिट साइड से कोल का कंबशन आपको कराना है। सबसे पहले स्लरी जो है वो एंटर करती है ड्राइंग जोन के अंदर, क्योंकि रोटरी क्लीन मशीन 3 जोन के अंदर डिवाइड है। सबसे फर्स्ट जोन है आपके पास में ड्राइंग जोन। ड्राइंग जोन के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये अपर मोस्ट जोन है, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसका टेम्परेचर 400 डिग्री होता है और इस जोन के अंदर जितना भी मॉइस्चर आपकी स्लरी के अंदर होता है वो पूरा का पूरा मॉइस्चर रिमूव हो जाता है। तो सबसे पहले रोटरी क्लीन मशीन जो 3 पार्ट्स के अंदर, 3 जोन के अंदर डिवाइडेड है, सबसे फर्स्ट जोन इसका कौन सा हो गया? ड्राइंग जोन। और इस ड्राइंग जोन की अगर हम बात करें तो ये अपर मोस्ट जोन है। स्लरी यहाँ से एंटर करती है, इसका टेम्परेचर 400 डिग्री होता है और यहाँ पे सारा का सारा मॉइस्चर रिमूव हो जाता है। इसके बाद ये स्लरी आगे आती है और एंटर करती है कैल्सिनेशन जोन के अंदर। कैल्सिनेशन जोन ये मिडिल जोन होता है। कैल्सिनेशन जोन का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। नाम से पता चल रहा है कैल्सिनेशन जोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है। यानी यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट, आपको याद होगा कैल्केरियस मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल हमने काम में लिया था, इस कैल्शियम कार्बोनेट का डिके होता है और क्या बन जाता है? CaO+CO2 गैस बन जाती है और ये CO2 गैस चिमनी के थ्रू, यहाँ चिमनी लगी होती है, और बाहर एग्जॉस्ट हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट लास्ट जोन आता है बर्निंग जोन। ये लोअर या लोएस्ट या सबसे लास्ट जोन होता है। इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री होता है और यहीं पे सीमेंट के क्लिंकर्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस बर्निंग और क्लिंकर जोन जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है और सीमेंट के क्लिंकर का फॉर्मेशन हो जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। वो क्या रिएक्शंस होती है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले 2CaO+SiO2 मिलके बनाते हैं 2CaO.SiO2, जिसे कहा जाता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसे क्या कहा जाता है? डाई कैल्शियम सिलिकेट। अच्छा, आपको मैं एक बात बताना भूल गई, सीमेंट के केस के अंदर CaO को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल C से, SiO2 को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल S से, Al2O3 को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल A से और Fe2O3 को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल F से। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? मैं इसको लिख सकती हूँ 2C+S-C2S। ये आपकी सबसे फर्स्ट रिएक्शन होती है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रिएक्शन क्या होती है? सेकेंड रिएक्शन होती है 3CaO+SiO2 और आपको मिल जाता है 3CaO.SiO2, मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। मैं इसको भी लिख सकती हूँ 3C+S और आपको क्या मिल जाएगा? C3S, मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसके अलावा कौन सी रिएक्शन होती है? थर्ड
थर्ड रिएक्शन होती है 3CaO प्लस Al2O3 भी तो था सीमेंट में रॉ मटेरियल, तो आपको मिल जाएगा 3CaO.Al2O3, इसे हम लिख सकते हैं 3C प्लस A, और आपको क्या मिल गया C3A, मतलब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ रिएक्शन की तरफ। फोर्थ रिएक्शन होती है 4CaO प्लस Al2O3 प्लस Fe2O3, और आपको मिल जाएगा 4CaO.Al2O3.Fe2O3, जिसे हम कहते हैं C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरियल। ठीक है, दोबारा मैं बताती हूँ आपको, सीमेंट के जब सारे के सारे रॉ मटेरियल बर्निंग जोन में पहुँचते हैं तो 1500 डिग्री टेम्परेचर पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है और सीमेंट के क्लिंकर्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होती है सीमेंट केमिकली, डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरियल। तो उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ ये देखिए, 2CaO प्लस SiO2 डाई कैल्शियम सिलिकेट, अगर 2 की जगह बहुत सिंपल रिएक्शन है 3CaO ले लेंगे और SiO2 से रिएक्शन तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, उसके बाद 3CaO और Al2O3 की रिएक्शन कराएंगे तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और अगर 4CaO प्लस Al2O3 और Fe2O3 की रिएक्शन कराएंगे तो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरियट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको दिख रहा होगा, मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से, Fe2O3। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा, ये ड्राइंग जोन मैं लिख दूँ, कि सीमेंट के एकदम 1500 डिग्री टेम्परेचर पर रेड हॉट एकदम लाल चमकते हुए क्लिंकर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि व्हाट इज सीमेंट केमिकली, तो अब आपको याद होना चाहिए, सीमेंट इज मिक्सचर ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरियट, ये आपके सीमेंट के क्लिंकर्स यहाँ पे बन जाते हैं। ये सीमेंट के क्लिंकर एकदम गर्म है, इनको यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, इन क्लिंकर्स को इकट्ठा करके नीचे से कूल एयर की सप्लाई की जाती है ताकि ये ठंडे हो जाए, ठंडे होंगे तो जो हॉट एयर निकलती है उस हॉट एयर को ब्लोअर के थ्रू वापस कूल के कंबशन के लिए यूज में ले लिया जाता है। समझ आया आपको, कूल एयर की सप्लाई करी, इस क्लिंकर्स को ठंडा किया, हॉट एयर जो है इसे ब्लोअर के थ्रू वापस हमने रीयूज कर लिया कोल के कंबशन में। इसके बाद क्या है, बस कुछ नहीं, इन जो ये क्लिंकर्स हमें मिले इनकी प्रॉपर ग्राइंडिंग कर दी जाती है, और जब इनकी ग्राइंडिंग की जाती है उस समय जिप्सम को यहाँ ऐड कर दिया जाता है। जिप्सम क्यों ऐड किया जाता है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आप ध्यान रखना 1-2% जिप्सम को ऐड किया जाता है ग्राइंडिंग के टाइम। इसके बाद कुछ नहीं, सीमेंट को पैक किया जाता है और उसके बाद सील करने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये है कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट बाय रोटरी क्लिंक मैस प्रोसेस, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बर्निंग स्टेप। बर्निंग स्टेप के अंदर सीमेंट की हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, और क्या है सीमेंट, सीमेंट इज मिक्सचर ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट, मैंने आपको बताया CaO को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, SiO2 को एस से, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट, सीमेंट इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, सीमेंट इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड सीमेंट इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट एल्यूमिनो फेरियट, और इनको अगर आप ओपन करके इनका लिखना चाहें कंप्लीट फॉर्मूला तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये थी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, आप इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।